अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास एक गाड़ी है निसान सनी, इसके एसी का प्रॉब्लम है। इसका जो एसी का कंप्रेसर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एसी का कंप्रेसर है निसान सनी का, ये बिल्कुल जैम हो गया, सही है ना? ये देख रहे हैं, बिल्कुल जैम हो गया, सही। और कंप्रेसर वैसे जैम नहीं होना चाहिए, कंप्रेसर इस तरह होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कंप्रेसर पड़ा हुआ, ये भी निसान सनी का, ये फ्री हो गया, देख रहे हैं। अच्छा, अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ, सही है। इसकी बुनियादी तौर पे जो है ना, दो मेन रीज़न होती हैं। जो पहली होती है कि गाड़ी के अंदर जो आपका थर्मोस्टेट लगा होता है ना, जो टेम्परेचर को मैनेज करता है, मसलन अगर गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पर आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया टेम्परेचर, तो उस वक्त एसी को जो है ना ट्रिप करना चाहिए, या 1.0 पे आ गया तब भी ट्रिप करना चाहिए, या 0.5 पे चला गया, या उससे नीचे चला गया 1.1 पे चला गया माइनस के ऊपर, तब भी ट्रिप करना चाहिए। अगर उस सूरत हाल पर ये कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा तो फिर ये बर्फ बन जाएगी अंदर पूरी, और उसके बाद ही ओवरलोड बन जाएगा। ओवरलोड की वजह से ये कंप्रेसर जाम हो जाएगा, कंप्रेसर जो है ओवर टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाएगा, सीज़ हो जाएगा, ठीक है। एक और इसकी वजह ये होती है कि हम अगर इस गाड़ी का स्पोर्ट नया कंप्रेसर डाल रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो पाइप बना के लगा रहे हैं, सम टाइम क्या होता है, ये इसका हाई टेम्परेचर का पाइप है, सही है, हाई प्रेशर लाइन का पाइप है, बाद ये लीक हो जाता है, तो हम लोग इसको बनवाते हैं, बनवाने के बाद सही से इसको क्लीन नहीं करते, इसके अंदर जो स्क्रैच होते हैं, स्मॉल स्मॉल जो पीसीज होते हैं अलमुनियम के, वो इसके अंदर रह जाते हैं, जो कंप्रेसर के अंदर जाके इसको डैमेज कर देते हैं, फिर उसके बाद वो कचरा मारना शुरू कर देता है, फिर ऐसा ऐसा वो जाम हो जाता है। तो वेल, हम लोगों ने इसको जो है ना एक दिन पहले बना के भेजी थी इस गाड़ी को, सही है, लेकिन उसमें मुझे लगता है सफाई का ख्याल नहीं रखा गया, या फिर टेम्परेचर को चेक नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से ये गाड़ी दोबारा हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। बट ऐसा नहीं होता कि कॉमन इसी तरह हो, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ गाड़ियों में 2 से 3 फॉल्ट होते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो टेक्नीशियन होते हैं वो 1 या 2 फॉल्ट को ढूंढ के उसको क्लियर कर देते हैं, और सम टाइम जो है ना वो नहीं हो सकता, सपोज अगर पंखा ख़राब हो तब भी ऐसे होता है। तो हमने इंशाल्लाह इसको जो है ना आज पंखे को भी चेक करना है, पंखे में भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंखा भी बराबर चलना चाहिए, क्योंकि देखें जब पंखा नहीं चलेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाइक पे चला जाएगा, और जब हाइक पे जाएगा तो ओपी कॉमन बात है कि वो कंप्रेसर ओवर टेम्परेचर की वजह से सीज हो जाएगा। सो वेल, देखें मैंने ये नया कंप्रेसर जो है इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, बट नया नहीं है, यूज़ में लिया मैंने, तो ये इंस्टॉल कर दिया। इसके अंदर जो ऑयल मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम बिल्कुल क्लीन है, इसमें कुछ कचरा नहीं है। इसी तरह जब आप कोई भी कंप्रेसर चेंज करें, कोई भी एसी का पार्ट्स लाइन वगैरह कुछ भी चेंज करें, मेक श्योर करें कि लाइन के अंदर बिल्कुल कचरा नहीं होना चाहिए। तो बस आज के दिन के लिए ये वीडियो थी मेरे पास, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए ज़्यादा चाहते हैं।